हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ नम्रता जयसवाल एंड यू आर वाचिंग नम्रता टीच। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे एंड मे बी यू आर प्लानिंग फॉर योर दिवाली, क्योंकि दिवाली आने वाली है एंड एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी एंड क्लीनिंग देयर हाउसेज। सब अपने अपने घर को सफाई कर रहे हैं एंड आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम, सो दैट वीडियोज़ रेगुलर नहीं आ पा रहे। बट डोंट वरी, स्टे ट्यून्ड विद मी, यू आर गोइंग टू लर्न वेरी न्यू थिंग्स एंड वेरी कॉमन थिंग्स ऑल्सो, क्योंकि हम ज़्यादातर बेसिक चीज़ों को ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन इज़ हैविंग डिफ़िकल्टीज इन देयर बेसिक ग्रामर्स। सो डियर फ्रेंड्स, आप मेरे कुछ वीडियोज़ को भी देख रहे होंगे जिसमें हम लोग स्पोकन इंग्लिश डेली क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस के चारों काइंड्स को बहुत अच्छे से कर लिया है। एंड इफ़ यू हैव नॉट सीन माई दैट वीडियो, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे से जा करके वीडियो को चेक कर सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो मेक द सेंटेंसेज ऑफ दैट टाइप ऑफ टेंसेज। सो डियर फ्रेंड्स, आज हम सेंटेंस सीखने वाले हैं। वॉट इज सेंटेंस, है ना? दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सबसे पहला ही होता है सेंटेंस। आप फर्स्ट क्लास में, सेकेंड क्लास में, थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास में, आइदर यू आर इन फाइव स्टैंडर्ड, इवन सिक्स ऑल्सो, सेवन्थ ऑल्सो, सब में आप सेंटेंस के बारे में पढ़ते हो। सपोज आप किसी न्यू स्कूल में गए, वहाँ पे आप एक न्यू स्कूल जो है वो आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल है, आप किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं पढ़ के आए हो और आप उस स्कूल में जा रहे हो जहाँ पे आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई लेवल का है और आपको एक कॉमन सा टॉपिक नहीं आता है, सेंटेंस क्या है। क्लास में आपके टीचर हैं, यू आर सिटिंग इन द फर्स्ट बेंच, क्योंकि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो जनरली न्यू स्टूडेंट को हम फर्स्ट बेंच में ही बिठाते हैं एंड इन द फर्स्ट प्लेस ऑल्सो। एंड सपोज आपके टीचर आपसे पूछते हैं, यू स्टैंड अप एंड टेल मी व्हाट इज सेंटेंस, आपको पता नहीं, आपने केवल डेफिनेशन रटा हो और आप भूल गए, क्योंकि रोट मेमोराइजेशन इज़ वेरी बैड। हम कुछ हम याद करते हो वो जल्दी हम भूल जाते हैं, तो यहाँ पे हम रोट मेमोराइजेशन नहीं करने वाले हैं, हम बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं कि एक्चुअल में सेंटेंस क्या होता है। तो इस वीडियो में हम सेंटेंस भी सीखेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस भी सीखेंगे। मे बी ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा क्योंकि इस वीडियो में हम पूरे सेंटेंस के अच्छे से कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो अच्छे से बैठ जाइए, पानी वानी पी लीजिए और अच्छे से मेरे साथ बने रहिए और सेक्शन को कंप्लीट कीजिए। तो लेट मी राइट द टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं, सेंटेंस करने वाले हैं। डेफिनेशन तो सबको आता होगा ना, सबको पता है डेफिनेशन क्या है, बट डेफिनेशन आप पढ़ भी लेते हो, बहुत सारे लोग समझ भी जाते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी समझते होंगे। कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ अच्छे से। इसका डेफिनेशन ही होता है, चलो हिंदी से पहले समझाते हैं, लेट उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके डेफिनेशन को लिखेंगे। देखो बेटा क्या करना है, सबसे पहले आप जानते होंगे कि अल्फ़ाबेट जो होता है, लेटर्स जो होता है, सबसे छोटी चीज़ होती है। लेटर को जोड़ जोड़ के हम क्या बनाते हैं बेटा, वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड्स को जोड़ जोड़ करके ही हम सेंटेंस बनाते हैं, बट एक प्रॉपर मैनर होना चाहिए। जैसे मान लो हम एक लिखते हैं, ए राम गुड बॉय, ऐसे हमने लिखा। यहाँ पे भी हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे भी हमने क्या किया, देखो बॉय में ए राम गुड, ये सारे क्या है बेटा, वर्ड्स हैं, वर्ड्स है ना। लेकिन क्या ये एक प्रॉपर वे में अरेंज है, क्या ये प्रॉपरली अरेंज आपको दिख रहे हैं, बॉय ए राम गुड, ये क्या है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। डेफिनेशन में तो लिखा रहता अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस, बट ये कोई कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है ना, तो इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते। अब इसे क्या कहेंगे, राम, सॉरी मैंने तो यहाँ लिखना ही भूल गया, इस राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ अ गुड बॉय। अब बताओ ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है जो एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये बन गया हमारा सेंटेंस। तो सेंटेंस का डेफिनेशन क्या हुआ, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस, यानी वर्ड का वो सारा ग्रुप जो मिलके आपको कंप्लीट सेंस देता है, वही क्या हो जाता है बेटा, सेंटेंस हो जाता है। यानी सेंटेंस के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होना चाहिए और उसका अरेंजमेंट भी अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। बट ये भी हमेशा याद रखना है आपको कि एक सेंटेंस जो होता है ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, ठीक है, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। देखो हमने यहाँ तो बी स्मॉल से स्टार्ट किया ना, तो ये वैसे ही गलत हो गया। यहाँ पे हमने राम लिखा और राम का फर्स्ट लेटर हमने क्या लिखा बेटा, कैपिटल लिखा। और सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क और अ फुल स्टॉप। अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो आप क्वेश्चन मार्क से इन करना, नॉर्मल अ स्टेटमेंट है या कोई भी इंपैरेटिव सेंटेंस या ऑप्टेटिव एक्सक्लामेटरी है, एक्सक्लामेटरी में तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, और अगर नॉर्मल स्टेटमेंट है वो उसमें हम फुल स्टॉप को लगाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। तो मुझे क्या करना है, एक आपको डेफिनेशन लिखवाना, आई डोंट थिंक आपको डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, फिर भी मैं बोलती हूँ, आप स्क्रीन में देख लो, ठीक है।
अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. ठीक है, तो सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. कुछ एग्जाम्पल बोल दूँ. I am a girl, you are a boy, they are students, we are playing, the fan is moving, the video is recording, we are happy, I am waiting for someone's message. है ना, बहुत सारा चीज़ हो सकता है. तो ये example हो गए sentence के. अब हमें क्या करना है, how many types of sentences? Sentence के कितने types होते हैं भाई? Do you know? If you know, comment in the comment box. जल्दी से comment box में बताओ कि how many types of सेंटेंस. ठीक है, तो चलो अब हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस को अच्छे से डिस्कस करते हैं. यस, टाइप ऑफ सेंटेंस डिस्कस करना है. तो देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ सेंटेंस. देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ सेंटेंस. ठीक है, ये तो हम क्लास सिक्स तक के बेसिस को सीख रहे हैं. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, ये सब हम थोड़े टाइम के बाद सीखने वाले हैं. ठीक है, तो नॉर्मल सीखते हैं. तो देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ सेंटेंस. फर्स्ट है आपका स्टेटमेंट. क्या है बेटा? स्टेटमेंट. एंड यू सेकंड इज इंट्रोगेटिव. यू थर्ड वन इज इंपैरेटिव. फोर्थ इज exclamatory. फिफ्थ क्या है जल्दी बताओ मुझे? फिफ्थ इज ऑप्टेटिव. फिफ्थ क्या है बेटा? ऑप्टेटिव. इफ यू वॉन्ट टू हैव अ स्क्रीन शॉट यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट. आप ले सकते हो. ठीक है, तो देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ सेंटेंस. फर्स्ट है आपका स्टेटमेंट, सेकेंड इज इंट्रोगेटिव, थर्ड इज इंपैरेटिव, फोर्थ इज एक्सक्लामेटरी एंड फिफ्थ इज ऑप्टेटिव. ठीक है, तो ये तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है. अब सबसे पहले हमारा टाइप आ रहा है स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या होता है? कोई भी बात, कोई भी नॉर्मल सा सेंटेंस ले लो, वो हो जाता है स्टेटमेंट. अब आपको ये भी याद रखना है बेटा, जो भी सेंटेंस होते हैं वो असर्टिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं. दैट मीन्स वो पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे. जैसे द फैन इज मूविंग, ये आपका पॉजिटिव है, दैट मीन्स असर्टिव है. द फैन इज नॉट मूविंग, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा. तो स्टेटमेंट क्या होता है? कोई भी नॉर्मल सा सेंटेंस स्टेटमेंट है. कोई भी नॉर्मल सा सेंटेंस ले लो. यू आर सिटिंग, माई मदर इज कुकिंग, माई फादर इज वर्किंग, वी आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन. ये सब क्या है बेटा? एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट है. आई होप आपको स्टेटमेंट क्लियर हो गया हो. और जो इंट्रोगेटिव है, यस इंट्रोगेटिव थोड़ा सा समझना पड़ेगा. एंड लेट मी राइट, मुझे इसे क्लीन करने दीजिए. हमारा सेकेंड टॉपिक है इंट्रोगेटिव. हम इसे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, तो इसे इरेज भी करना पड़ेगा अच्छे से. ओके, सो सेकेंड वन इज इंट्रोगेटिव. दीज आर द सेंटेंस विच आस्क यू अ क्वेश्चन. हमने अपने हर वीडियो में बताया है, अगर हम डिस्कस कर रहे होंगे आपने कहीं ना कहीं रिमाइंड किया होगा, द सेंटेंस विच आस्क यू अ क्वेश्चन इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. है ना, जो आपसे क्वेश्चन पूछे वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है बेटा, हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होता है. किससे एंड होगा बेटा? ऑलवेज, इसका एक स्टार पॉइंट हम लिख सकते हैं, ऑलवेज एंड्स विथ अ, ऑलवेज एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क. किससे एंड होगा बेटा? क्वेश्चन मार्क से एंड होगा. हु, होम, हाउ, व्हाट. ठीक है, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं. मैंने शॉर्ट्स भी बनाया है, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है. क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं आप जाके देख सकते हो. ठीक है, अगर क्वेश्चन आपका व्हाट से शुरू हो, हाउ से शुरू हो, व्हेन से शुरू हो, व्हाई से शुरू हो, तो ये क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो जाएगा. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स इसको लेते हैं. जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो भाई? व्हाट आर यू डूइंग, दैट मीन्स मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना, व्हाट आर यू डूइंग. आप बोलोगे ना, आई एम वॉचिंग यू, मैं आपको देख रहा हूँ. ठीक है, व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम, कब आओगे तुम, कब आओगे. ठीक है, हाउ विल यू कम, कैसे आओगे भाई, हाउ विल यू कम. देखिए सब में क्या हो रहा है बेटा,
सेंटेंस इज एंडिंग विद अ क्वेश्चन मार्क. सब में क्या हो रहा है, सेंटेंस एंड हो रहा है क्वेश्चन मार्क से. यहाँ पे व्हाट है, व्हेन है, हाउ है, व्हाई आर यू कमिंग, क्यों आ रहे हो, व्हाई आर यू कमिंग, क्यों आ रहे हो, ठीक है, व्हाई आर यू कमिंग, क्यों आ रहे हो, ये भी क्या हो गया बेटा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें आप क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर दो सेंटेंस दैट आस्क यू अ क्वेश्चन, जो आपसे क्वेश्चन पूछता है. व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू फीलिंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हाई आर यू कमिंग, व्हाई आर यू डांसिंग, व्हाई आर यू स्कोल्डिंग हिम, आप उसे क्यों डांट रहे हो, ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे. आई होप आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस अच्छे से कंप्लीट हो गए हो. ये क्वेश्चन वर्ड्स है, क्वेश्चन वर्ड्स आपसे हमेशा क्वेश्चन ही पूछेगा, ठीक है. तो ये तो था इंट्रोगेटिव सेंटेंस. कुछ अब हम थर्ड की तरफ चलने वाले, और थर्ड क्या है हमारा, इम्पैरेटिव सेंटेंस. उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, इसे रिलीज करना होगा. तो जल्दी से हम थर्ड की तरफ चलते हैं. थर्ड है हमारा, जल्दी से बताओ क्या है, इम्पैरेटिव सेंटेंस. द थर्ड वन इज इम्पैरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं बताओ. डू यू नो, इफ यू नो जल्दी से कमेंट करो. हम दो मिनट के लिए चुप हैं, दो मिनट क्या, दो सेकेंड के लिए चुप हैं. वीडियो को पॉज करो और जल्दी से कमेंट करके बताओ व्हाट इज इम्पैरेटिव सेंटेंस, इम्पैरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं. तो चलिए मैं बता देती हूँ क्या होता है. जैसे आप कभी किसी से प्लीज़ कहते हो, किसी से रिक्वेस्ट करते हो, किसी से ऑर्डर करते हो, किसी को ऑर्डर करते हो, किसी को रिक्वेस्ट करते हो, या कोई एडवाइस देते हो, तो वो सारे सेंटेंसेस इम्पैरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे, है ना. जैसे प्लीज़ कम हियर, प्लीज़ डोंट गो, प्लीज़ मत जाओ, यू स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, गेट आउट, बाहर चले जाओ. अब आपको ये पूछना होगा कि मैम मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है वो इम्पैरेटिव है, कैसे पता चलेगा कि वो डांट रहा है या फिर वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है या वो आपको ऑर्डर कर रहा है. तो बेटा आप जब सेंटेंस पढ़ोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा. अब जैसे हम बोलेंगे स्टैंड अप, मैंने तो उसमें प्लीज़ नहीं लगाया, तो उसका मतलब है कि मैंने आपको डांट के ही बोला होगा या ऑर्डर दिया होगा कि खड़े हो जाओ. अगर हम बोले स्टैंड अप प्लीज़, तो ये क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट वाला हो जाएगा, ठीक है. तो इम्पैरेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, स्टार मार्क में आप लिख सकते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं बेटा, रिक्वेस्ट करते हैं, या किसी को ऑर्डर देते हैं, या किसी को एडवाइस भी देते हैं, एडवाइस देते हैं या सजेशन का सजेस्ट करते हैं, सजेशंस देते हैं, ठीक है. तो ये सारे सेंटेंस क्या हो गए, इम्पैरेटिव. एग्जांपल, एग्जांपल्स भी देख लेते हैं. चलिए, प्लीज ड्रॉप मी अ मैसेज, सॉरी प्लीज़ ड्रॉप मी अ मैसेज, मुझे मैसेज कर दो प्लीज़. यहाँ पे मैंने प्लीज़ लगाया है ना, मुझे, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, तो ये क्या हो गया, इम्पैरेटिव सेंटेंस किया. और मैंने अगर बोला शट अप, चुप हो जाओ, शट अप, तो मैंने क्या किया इसमें, ऑर्डर किया ना, गो देयर. अगर हमने बोला गो देयर, वहाँ जाओ, मैंने आपको ऑर्डर किया ना. अगर हम अगर यहाँ लगाएं प्लीज़ गो देयर, प्लीज़ गो देयर, प्लीज़ आप वहाँ जाओ, तो ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट. यानी कि अगर आप किसी भी सेंटेंस में, अगर आप किसी भी सेंटेंस में क्या करते हो, प्लीज़ लगा देते हो, तो वो रिक्वेस्ट वाला बन जाता है. यू शुड नॉट गो देयर, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये भी क्या है, आपका इम्पैरेटिव सेंटेंस है. क्योंकि शुड जब हम लगाते हैं, कब, जब हमें सजेशन करना होता है, ठीक है. तो ये तो था हमारा इम्पैरेटिव सेंटेंसेस. दो सेंटेंस और बचे, कौन कौन से बच गए, एक दो सेंटेंस कौन कौन से बचे बेटा, एक एक्सक्लामेटरी बचा, और हमारा नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव, उसे भी अच्छे से हम डिस्कस करते हैं. तो चलो इसे भी रेस करते हैं और नेक्स्ट को हम डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट हमारा क्या है, भूल जा रही हूँ, जल्दी से बताओ मुझे. नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लामेटरी. क्या है बेटा, एक्सक्लामेटरी. जैसे आप सपोज कीजिए आज मंडे है एंड मंथ का फर्स्ट डे है, ज़रूरी नहीं कभी भी हमारे स्कूल में कोई भी टीचर आ जाते हैं, ठीक है.
अगर आपके क्लास में कोई एक अच्छे से टीचर आते हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप बोलोगे ना वाओ दैट टीचर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एंड ही इज़ लुकिंग वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट दिख रहा है, या आप कहीं बाजार पर जाते हो, आप किसी को देखते हो वाओ दिस इज़ वेरी गुड, कितना अच्छा है, दिस इज़ लुकिंग वेरी नाइस, है ना। जब आप किसी को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हो, वंडर्ड हो जाते हो कि कितना अमेजिंग चीज़ है, जब आपको अमेजिंग फीलिंग आती है, आप किसी चीज़ को देख के कभी बहुत खुश हो जाते हो, या कोई बुरा ओ हो वो हार गया ना, आह तुम्हें चोट लग गई, अलाश मुझे दुख हुआ, है ना, मतलब आप दुख भी लगा सकते हो, मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें आपका सडन इमोशंस निकलता है, ठीक है, जैसे वाव हो गया, ओह हो गया, ब्रावो हो गया, हुर्रे हो गया, आप किसी गेम को जीत करके आ रहे हो और आप बोलोगे हुर्रे आई हैव वोन द मैच, मैंने मैच को जीत लिया, तो ऑल दीज आर एक्सक्लामेटरी वर्ड्स, है ना। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हमेशा एक्सक्लामेशन मार्क से एंड होगा, एक्सक्लामेशन मार्क्स ये होता है, आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। तो उसका एक एग्जाम्पल ले, वाओ दिस इज अमेजिंग, वाओ दिस इज अमेजिंग, ओह आई हर्ट यू, मैंने तुम्हें चोट पहुंचा दिया, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल ब्रावो यू डिड इट, तुमने इसे कर दिखाया, ठीक है, और हुरे हुरे वी हैव वोन द मैच, हमने मैच को क्या किया, जीत लिया, ठीक है। तो ये तो था हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसमें हम क्या करेंगे, एक्सक्लामेशन मार्क्स का यूज़ करते हैं, और जो चीज़ हमें अमेजिंग फील कराती है उसमें सडन रिएक्शन हमारा निकलता है, दिस इज़ योर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव को आई डोंट थिंक लिखने की ज़रूरत है, मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। ऑप्टेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें आप आशीर्वाद देते हैं, ठीक है, भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाए, ठीक है, मे गॉड हेल्प यू, ये क्या है, जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, कुछ अच्छे ब्लेसिंग्स देते हैं, या किसी को श्राप देते हैं, चाहो तुम्हारा ये सत्यानाश हो जाएगा, तुम्हारा काम पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, जिसमें आप किसी को कर्स देते हैं, मतलब श्राप देते हैं, या किसी को आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं कि भगवान आपका काम बना दे, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। आई होप आपके इस वीडियो में मैंने जो मेरी छोटी सी ट्राई थी सेंटेंस और उसके ऑल काइंड्स को एक्सप्लेन करने की, आई हैव कम्प्लीटेड माई टारगेट, मैंने टारगेट को कम्प्लीट कर लिया। So dear friends, if you have liked my video, if you have liked the today's session, do comment and do share this video among your friends, among your classmates, and do like this. And if you are new on my channel, do subscribe my channel. Till then, stay tuned with me, that is Namrita Jaiswal, and have a good day. Bye-bye and take care, and sure wait for the next video. Thank you.